नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गौरव चौरा मधुदीप आईवीएफ और टेस्टिबिलिटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। हमारा मोबाइल नंबर है 9714864633। आज का जो टॉपिक है, ये हमने जो वीडियो बनाया था उसमें जो हमारे जागरूक जो वो यूट्यूब का वीडियो देखते हैं उसमें प्रश्न आया था कि क्या हमारे अंडे बहुत छोटे बन रहे हैं, बड़े नहीं हो पा रहे, 20x20 मिलीमीटर के नहीं हो पा रहे, मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं, उसको अंडे को अलग से वो सेपरेट नहीं हो पा रहे, जिसका ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है, जिसका मैच्योरेशन नहीं हो पा रहा है, और वो अंडे से बच्चा नहीं बन पा रहा है, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पा रहा है, तो अब उसमें हम क्या करें। तो चलिए मित्रों, ये वीडियो चालू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 9714864644, और हमारा हॉस्पिटल का नाम है मधुदीप आईवीएफ और टेस्टिंग बेबी हॉस्पिटल, जो भावनगर गुजरात में है। पूरा एड्रेस है मधुदीप हॉस्पिटल, पानवाड़ी चौक ऑपोजिट बिल गार्डन, नियर एसटी बस स्टैंड, भावनगर गुजरात। और हमारा पिन कोड नंबर है 36400। हम सुबह 10 से 12 में डेली सोम से शनिवार रेगुलर मिलते हैं। मिलने के लिए पहले से आपको नाम बुक करवाना पड़ता है, और ये नाम बुक करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल फोन नंबर 9714864644 पे फोन करना पड़ता है। अब ये नन्हे छोटे से अंडे हैं जो बच्चे बनाने के लिए काबिल नहीं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके करने से पहले ऐसा क्यों होता है वो जानना जरूरी होता है। तो मित्रों, मैं जो बताऊंगा वो प्रैक्टिकल बताऊंगा, आपको कैसे करना है, क्या करना है वो बता दूंगा। अब देखिए, जनरली ओवुलेशन की साइकिल होती है जिसमें अंडे महामारी के पहले दिन से पांचवें दिन तक संख्या दिखती है, और पांचवें दिन से आगे बढ़ते बढ़ते वो महामारी के 14, 15 और 16, 17 दिन पे वो बड़े होकर 20x20 के अंडे बनते हैं। और अगर वो फूट जाए, रप्चर हो जाए, ओवुलेशन हो जाए, उस समय अगर स्पर्म का मिलाप अंडे से होगा ट्यूब में, तो वो एम्ब्रियो बनेंगे। लेकिन ये नॉर्मल चीज नहीं होगी तो क्या होगा, तो अंडा 20x20 का नहीं बनेगा, टाइप के 12वें, 13वें, 14वें, 15वें दिन पर छूटा नहीं पड़ेगा। तो इसके कारण क्या होगा कि आपको बच्चे बनने में महावारी आने में तकलीफ पड़ेगी। अब किस कंडीशन में ऐसा होता है, सबसे पहले मोस्ट कॉमन कंडीशन है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसमें FSH और LH और AMH का डिस्टर्बेंस, हॉर्मोन डिस्टर्बेंस होता है, और इसके कारण इसमें अंडे बड़े नहीं होते। कई बार अंडे ज्यादा इंजेक्शन दिए जाए तो बड़ी बड़ी फुगे की तरह बन जाते हैं, लेकिन वो मैच्योर नहीं होते। कई बार अंडे बनने के बाद वो छूटे नहीं पड़ते, और कई बार क्वालिटी पीसीओडी में बराबर नहीं होने के कारण वो फर्टिलाइज नहीं होते। तो ये चारों चीज मिलके बनाते हैं छोटे अंडे, तो ये चीज में आपको पीसीओडी में तकलीफ पड़ती है। दूसरा एक मोस्ट कॉमनली कारण है कि जैसे कि आप प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में जाते हैं, 20 साल में, 21 साल में, 22 साल में आपके अंडे बनना कम हो गया हो, जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कम हो गई हो, तो क्वालिटी अच्छी नहीं होने के कारण अंडे बड़े नहीं बनते। तीसरी बात, 35 years 35 साल के बाद जब आप मेनोपॉज में जा रहे हो, आपके हॉर्मोन्स कम हो रहे हो, तब उस टाइम पे भी आपको दवाई देने से नेचुरल तरीके से बराबर अंडे बड़े नहीं होते। इसके सिवाय कई बार रेडिएशन, कीमोथेरेपी, कैंसर थेरेपी, कोई सर्जरी, कोई रोग, चॉकलेट सीज, टीबी, पीआईडी, ल्यूकोरिया और हॉर्मोनल इम्बेलेंस के कारण भी बच्चे बनने के लिए जो अंडे होते हैं वो बड़े नहीं होते। अब जब अंडे बड़े नहीं होंगे तो आपको टाइम पे माहवारी नहीं आएगी और टाइम पे बच्चा नहीं होगा, तो ये सब कारण है। अब उसका निदान कैसे होगा, जब आपको बच्चा नहीं रुके 1 साल के बाद, या फिर आपकी महावारी बराबर नहीं आए, या फिर आपको कुछ एबनॉर्मल लगे, तो उस टाइम पे आपको डॉक्टर को, जैसे कि मधुदीप आईवीएफ में आप बताने आ सकते हैं। यहाँ पर मैं डॉक्टर गौरव चावड़ा और अल्पा चावड़ा दोनों आपको सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराती है, उसके बाद आपके हॉर्मोन की जाँच होती है, जिसमें से FSH, LH, AMH, TSH, PRL और इनिबिन और एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, DHEA, ये पूरा लिस्ट होता है, उसमें से क्या आपको जरूर है वो हम लोग कराते हैं।
कई बार हम लोग उसको इंडक्शन करके देखते हैं, जैसे कि क्लोरोफिन साइट्रेस से लेट्रोजोल से हम दवाई देके उसको फॉलोअप में ओवरसीज स्टडी के लिए बुलाते हैं, उसमें अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हम लोग उसमें इंजेक्शन FSH, LH, HMG ऐड कराते हैं, तब भी अंडा नहीं बनेगा। तो बाद में हम लोग लेप्रोस्कोपिक PCOD हो तो ड्रिलिंग करते हैं या लेप्रोस्कोपिक देखते हैं कि ओवरिन एट्रोफिक कम तो नहीं हो रहा है ना, तो ये देखते हैं। जरूर पढ़ने पे हम AMH का फॉलोअप लेते हैं, और ये सब कराने के बाद अगर तो भी अंडे नहीं बन रहे हैं, PCOD है, तो हम कई दवाइयां भी ऐड कराते हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन, जैसे कि आइनोसिटोल, और अगर ओवरिन फेलर तरफ जा रहा है तो हम लोग उसमें DHEA, डीहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन 75 मिलीग्राम जरूर पढ़ने पे उसमें कोएंजाइम Q10 और एस्ट्राजेन भी यूज करें। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेलिंग करके बताया कि जब अंडे बड़े नहीं होते हैं तो क्या ध्यान रखना होता है। तो ये आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।